अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अली खान छोटू। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। मेरी दुआ हमेशा आप लोग के साथ है। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी बेहतरीन बेभरा किराक ज़बरदस्त आसान सा सवाल लेके आया हूँ हैदराबाद की आवाम के बीच। आज का हमारा सवाल यही है, जो मैं खदीम इमारत के नीचे खड़ा हुआ हूँ भाई, जिसे लोग मोजमदिया मार्केट के नाम से जानते हैं, ये असल में नेम है इसका मोजम जाही मार्केट। ठीक है, यही हमारा सवाल है। मोजम जाही मार्केट किसने बनाने लगा और कब बनाने लगाए और किसके लिए बनाए, कौन से ईयर में बनी और कब बनाने लगाए और किसके लिए बनाने लगाए, यही हमारा सवाल है। जो भी हमारे सवाल का सही तरीके से ठीक तरीके से जवाब देंगे बराबर इनाम का हकदार होंगे। आज का इनाम हमारा बेहतरीन बेभरा किराक डिनर सेट है। डिनर सेट क्या है मालूम? काफ़ी घरों में काम इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है। तो जब तक मैं ये खदीम इमारत में बताऊँगा आप लोग को, ये खदीम इमारत इतनी पुरानी है, हैदराबाद की जानी मानी पहचानी एक मार्केट है, बहुत खदीम इमारत है। जब हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, जब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पे, बड़े शान से, बड़े बड़े मीनार, बड़े बड़े कमान, बहुत मजबूती है संगात पकड़ में जुड़े हुए बने हुए हैं। आप लोग जब तक मार्केट देखिए, मार्केट देखे बाद से आप लोग को मैं पब्लिक के बीच लेके जाऊँगा। पब्लिक किस अंदाज़ में किस तरीके से जवाब देती है आप लोग को लाइव बताऊँगा। मेरे वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए, प्लीज़ फॉलो मी। ऊंचा बोलिए। फिलहाल ठीक है। ठीक है ना, ओके साहब। हमारा सवाल ये है, मोजमदिया मार्केट जो है, कौन बनाए, कब बनाए, किसके लिए बनाए, ये हमारा सवाल है। तो याद तो नहीं, वो निजाम सरकार के ज़माने में बना सो है। कौन से निजाम बनाए? उस्मान अली पाशा। उस्मान अली पाशा, उनका पूरा नाम क्या है? महबूब अली, नाम याद नहीं होता। अच्छा ठीक है, किसके लिए बनाए? पब्लिक मार्केट। पब्लिक के लिए? जी, पब्लिक के लिए बनाए। बैठो, आइसक्रीम खाओ, दुकान लगाओ। क्या है, वही तो रहा अंदर पूरा। आप बोलिए काका। वैसा तो ठीक नहीं, वो एक ये रहता सब, वो अब उसमें वो क्या नया फूल का बिरजा है ना जी, वो जैसा आया वैसा बैठ के कहीं भी जाओ, रेस्ट कर लेके दिखने में अच्छा है ना। अच्छा, मार्केट बोल के मार्केट बनाए, बैठो घूमो फिरो घूमो फिरो। अच्छा कब बनी, कौन से ईयर में बनी? 1935। माशाल्लाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा सोच रहे ना आप, अच्छा बोल रहे ना आप, प्यारा, बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिए, ऐसी सोच के जवाब देना है। 1935 में मार्केट बना, ये बैचलर क्वार्टर, बैचलर बिल्डिंग, बैचलर क्वार्टर जो है जी, ये भी वही टाइम का है, बराबर सही बोल रहे हैं आप। 5 साल बाद 1935 में बना, 1935 में। कौन बनाए, कब बनाए? निजाम सरकार की। किसके लिए बनाए? अच्छा पब्लिक के लिए बनाए बोले आप, ओके ठीक है, कोशिश करने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत, आपका भी शुक्रिया साहब। थैंक यू, ओके धन्यवाद भैया। भैया आपसे एक सवाल है, आप फिलहाल यहाँ कहाँ पर खड़े हुए आप? मोजिंजा मार्केट छोरा से। मोजिंजा मार्केट सिग्नल करें जी। ये खदीम इमारत दिख रही है आपको जी, ये कब से देखते हैं आप? बचपन से देखते हूँ। बचपन से देखे, ये कौन बनाए, कब बनाए, किसके लिए बनाए? नहीं मालूम साहब मेरे को। अरे नहीं सच नहीं मालूम। पक्का? पक्का, झूठ नहीं बोलते, भगवान की कसम। अरे कसम कहीं उखा रहे भाई? नहीं नहीं मालूम साहब। मार्केट कौन सी मार्केट? मोजिंजा मार्केट। ये कौन बनाए, किसके लिए बनाए? नहीं मालूम हमारा। सीताफल के दिन आ गए, बेहतरीन जंगल का शरीफा है, कच्चा है ना मगर? हाँ कच्चा है। एक पक्का रहता तो खाता था मैं। हाँ, छोड़ो, ये जो मार्केट दिख रहे हैं आप, कब से देखते हैं आप? मैं इससे पहले से कम 25 साल है मैं हैदराबाद में है। अच्छा, जब से देखता हूँ। कौन बनाए, किसके लिए बनाए, कब बनाए, वो नहीं मालूम। उस्मान बादशाह के टाइम में बोलते हैं। पूरा नाम बोलिए निजाम का। पूरा नाम तो नहीं आता मेरे को, 25 साल से रह रहे हैं मगर हम पढ़े लिखे से नहीं है साहब, अनपढ़। खाली नाम मालूम करना है, खदीम इमारत भाई, ऑटो के फाइनेंसर का नाम मालूम रहता ना। आप लोग कहाँ पर खड़ के कारोबार कर रहे हैं साहब? मोजमदिया मार्केट। मोजमदिया मार्केट, बहुत अच्छी बात है। ये खदीम इमारत किसने, कौन बनाए, कब बनाए, किसके लिए बनाए, कुछ बोल सकते हैं आप? मोजमदिया मार्केट महबली बादशाह बना हुआ था, निजाम सरकार। मैं बोलिए उनका नाम। हाँ निजाम, निजाम सरकार बना बोलते हैं। हाँ को नाम बोलो निजाम। स्टेट तेलंगाना स्टेट। क्या तेलंगाना? हैदराबाद ही समझो भाई। हाँ हैदराबाद ही भाई, बता रहे मालूम नहीं मालूम। अरे मार्केट के सामने कारोबार, कितने साल से कर रहे कारोबार? माल लेते चले
चांदमार का नहीं करते। तो चार मीनार कौन सा हैदराबाद के बाहर है, कौन सा मंदिर है? 2 किलोमीटर का रास्ता है। ये 1700 चिल्लर में बनी बोल के सुनते सुनने में आता। एक बार उधर देख के बोलो आप। 1767 में बनी बोल के सुना। आप कब से कर रहे हैं? एक 8-10 साल से कर रहे हैं। कहाँ पर खड़े हुए आप? सामने खड़े हुए। कहाँ पर है? मजमजे मार्केट में। ओके, ये कदीम इमारत जो है ना राजू भाई, हाँ। कौन बनाए, किसके लिए बनाए और कब बनाए? वो तो पता नहीं आपने को। मोजमजाई मार्केट में बैठे हुए हैं जी, पिछले 6 महीने से। हाँ, फ्रूट का, होलसेल फ्रूट का है काम। ओके साहब, ये कदीम इमारत जो है ना मोजमजाई मार्केट, कौन बनाए, किसके लिए बनाए, कब बनाए? तो इतना तो ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं रिसेंटली यहाँ पे मूव हुआ। अच्छा, लेकिन कहाँ के आप? मैं राजस्थान का हूँ, यहाँ पे थोड़े दिन पहले ही मूव हुआ जी। मैं यहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ, मेरे फादर की दुकान है। ओनली फ्यू टाइम्स बैक। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। आप बोलिए साहब। हमको कोई आइडिया नहीं साहब। अच्छा, कुछ आइडिया नहीं, खाली बटोरना आइडिया है। ठीक है जी। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? अरुण भाई। अरुण भाई, बहुत किराक दिख रहे हैं आप, माफिया टाइप के दिख रहे। कारोबार कर रहे हैं किसी को चला रहे भैया? कारोबार है, कारोबारी हम। अच्छा अच्छा, ठीक है। कितने साल से कर रहे हैं फ्रूट मार्केट में कारोबार? ये 15 साल से। अच्छा, 15 साल से। कहाँ पर खड़ के कारोबार कर रहे हैं आप? यहाँ जामबाग मोजमजा मार्केट पे। मोजमजा मार्केट, मोजमजा मार्केट जो कदीम इमारत है। अच्छा, कौन बनाए, किसके लिए बनाए, कब बनाए? उतना आइडिया नहीं है भैया हमारे को, ऐसा बात। अरे शर्ट तो बड़ा प्यारा पहने, क्या बेवकूफ बनाना है मेरे को, अब ये बोलो पहले। बेवकूफ क्या बनाना है ये बोलो पहले मेरे को। बेवकूफ क्या बनाना है वो बोलो। बेवकूफ नहीं बनाना है। आपकी देखा, मैं वीडियो बहुत देखा हुआ मैं भी। अरे शुक्रिया साहब, आपके वीडियो बहुत देखता हूँ मैं भी। अरे शुक्रिया साहब, आप देख रहे हैं मैं और थोड़ा काम कर रहा हूँ। बोलो बोलो, क्या बात है साहब। यहाँ पर बैठ के कितने साल से कारोबार कर रहे हैं आप? हमारे बाबा का कारोबार है, 50 साल पुराना कारोबार, 60 साल। माशाल्लाह, अल्लाह आपको भी सेहत। मैं भी बूढ़ा हो गया, मेरे बच्चे कर रहे। थर्ड जनरेशन है मेरा। अच्छा है साहब, ये कदीम इमारत जो है मोजमजा मार्केट, हाँ, कौन बनाए, किसके लिए बनाए, कब बनाए? देखो भाई, उत्ता नहीं, तुम ही बोले थे इससे पहले, काम लेते शहर में आए, क्या बनाए बोल के, यही बोले थे आप? नहीं, वो चार मीनार का बोले। नहीं नहीं, वो कमानों का नहीं, इसका भी बोले थे आप, उसको जो है ले जाके बिरयानी खिलाए थे आप, याद है? वो भी वो देखा मैं आपका बिरयानी, उसको तोहफे में क्या दिए थे आप? तोहफे में तो एयर कूलर दिए। हाँ, कूलर वो सब दिए भाई, बराबर। तोहफा नहीं चाहिए वो भाई उत्ता। अरे कभी बैठ के सोचे होंगे ना, 24 घंटे फोन में लगे हुए रहते, अभी भी फोन हाथ में था, ऐसा बैठे बैठे खाली। बराबर है, अब उत्ता दिमाग में नहीं है, नहीं सोचे कभी? नहीं, उत्ता व्यापारी आदमी है, कहाँ पुराने जमाने में जाते, आए अपनी रोटी निकाले चले गए। अच्छा, खाली आओ आंदो, इनकमिंग है खाली, आउटगोइंग नहीं है। आउटगोइंग करे तो फिर जाते को क्या ले जाएंगे अभी? जाम लियो आसिफ भाई। जी साहब, सलाम वालेकुम। छोटू जी, हाँ अली खान छोटू है। अली खान छोटू, बराबर। चार मीनार पे ठहर के तुम निकाल लिए, जब देखा मैं तुम्हारे। मैं बता सकता हूँ आपको, ये वालिद साहब के जोर से हमारे चल रहा, कम से कम वालिद साहब हमारे यहाँ बचपने से हमाली कर लेते हुए आके कारोबार करे सो है, कारोबार करे, हमाली करे, मुकाम जमाए, एक हिसाब से ठहरे जी। अप्रॉक्सीमेटली मैं समझता हूँ 40 ईयर्स हो गए हमारे डैड को। ये मार्केट बनाए थे निजाम सरकार के पीरियड में। थोड़ी शक्कर मिलती है? शक्कर जो जी नम, नहीं जान थोड़ा फिक्का है। हाँ, नमक ला जाना। कहाँ जलाओ शक्कर उसका दुकान पे, मतलब सुबह सुबह सहज के। हाँ, बिल्कुल अच्छी। हाँ, बोलिए साहब। अब ये कौन बनाए, किसके लिए बनाए बोले तो पूरे शहर को मालूम, दुनिया को मालूम, ये बनाए निजाम सरकार। कौन से निजाम बनाए, उनका नाम बोलिए, कब बनाए? आखिरी निजाम मीर उस्मान अली बादशाह। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। किसके लिए बनाए? ये मार्केट के लिए बनाए, यानी कि फ्रूट के व्यापारियों के लिए बनाए, दूसरे व्यापारियों के लिए बनाए, यहाँ पे एक मार्केट टाइप एक प्लेस होना बोल के बनाए। सो फ्रूट मार्केट वो टाइम पे, वो जमाने में उधर नहीं थी फ्रूट मार्केट? थी साहब, बिल्कुल थी। मार्केट के अंदर नहीं थी साहब? मार्केट के अंदर अब से नहीं साहब, आज से 50 साल पहले से ये जो बाहर के छोटे छोटे दुकाना है ना, ये पूरे फ्रूट वालों को थे। पक्का? पक्का कन्फर्म है साहब, मैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ के बोल रहा हूँ, मैं आपको ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। कब बनाया थी भाई इमारत? ये इमारत बनी साहब 1950 से 1955 के दरमियान में। बहुत अच्छी बात है आसिफ भाई, कोशिश करने के लिए जी, थोड़ा माइंड फ्रेश होता सोचना, बैठ के कर रहे ना भाई जी। बाहर वाले पूछे तो क्या जवाब देते साहब? तो बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया, बहुत बहुत मिलकर खुशी हुई आपसे। खाली बटर डोसा याद है? खाली और क्यों खाने आते भाई, डोसा खाने आए बस। नहीं मालूम, कभी सोचे भी नहीं आप लोग?
चूरे आप हैदराबाद सिकंदराबाद में बहुत दूर दूर से आपके ने पब्लिक आती डोसा खाने के लिए, हैदराबाद को आया तो उन्हें डोसा खा के जाता ही जाता आपका जी जाओ ठीक है। अगर डोसा नहीं खाया बोले तो फिर उन्हें बेकार है, फिर हैदराबाद घूमे वैसा नहीं होता सही है। तो ये खदीम जो चौरस्ता है ये जी आओ, कितने साल से कर रहे हैं आप कारोबार यहाँ पे? हमारे डैडी के ज़माने से कर रहे हैं जी जी जी। तो ये सामने जो खदीम इमारत है इसका क्या नाम है? इसका मौजम जाही मार्केट है। अच्छी बात है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये मौजम जाही मार्केट कौन बनाए, कब बनाए, किसके लिए बनाए? अब इसकी स्टोरी तो बहुत लंबी है, फुर्सत में बोलना पड़ता है। अभी क्या कारोबार में हूँ, जरा फुर्सत में बोल दो मैं इसकी स्टोरी पूरी। पक्का 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 शोर अच्छा, पूरा याद कर लेके रिहर्सल कर लेके बोलते हैं जी जी। नहीं नहीं मालूम है पूरी स्टोरी इसकी। अच्छा फुर्सत में बोलूंगा इसके बारे में। ओके थैंक यू सो मच राम भाई, आपका डोसा बहुत मशहूर है जी जी। सब आइए डोसा खाइए आप हमारे बंडे। थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं ऐसा नहीं, डोसा खा के जाइए। नहीं 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 ये चौरसे का क्या नाम है सर? चौरसे का मालूम नहीं, मैं बैंगलोर से आया हूं। अल्लाह या बैंगलोर से आया मैं। ठीक है ठीक है। ये बीसे बोलते हैं मौजमजा मार्केट। मौजमजा मार्केट ये जो खदीम इमारत है ना ये, हां इसका सवाल था हमारा। ओके अंदर जाइए आप फोटो शूट कर सकते हैं आप। बहुत अच्छी प्लेस है। बहुत बंद कर है ना अभी? नहीं नहीं बाजू पेट्रोल पंप जो है ना वहाँ से चालू है, आप जा सकते हैं। ओके फोटो शूट वगैरह कर सकते हैं आप, बैठ सकते हैं, फैमिली प्लेस है वो। ओके ओके थैंक यू थैंक यू। तो आपसे पहले लेता हूँ मैं, कई गुना कौन लिया कौन से अकबर भाई? पहले चटनी देखता हूँ मैं कैसी है, बहुत दूर दूर से आते हैं भाई लोग। रात है भाई। गुड मॉर्निंग साहब। साहब आप लोग कब से खाते हैं पर डोसा इडली? क्या बोल रहे हैं? यूजुअली मॉर्निंग आते हैं। अच्छा मॉर्निंग आते हैं। या मैं कुछ नहीं, ये एरिया का नाम क्या है सर? ये चौरसे नामपल्ली। नामपल्ली का नामपल्ली कहाँ है साहब? दूर है नामपल्ली। ये इसको भी नाम पड़ जाओ, इस पर आम के बनने चौरसा बोलते हैं खाली। अच्छा इनका नाम रहा तो इनका नाम पड़ चौरसा खाली। बिल्कुल मार्केट है ये वही मालूम है। ये जो खदीम इमारत जो है वो इमारत कौन बनाए, कब बना? इमारत उसमें आइसक्रीम अच्छा रहता है वही ना जो आइसक्रीम पार्लर जो है। आइसक्रीम तो बिल्कुल कौन बनाए, किसने बनाया? वो लोग बनाए जो मेस्ट्री रहते ना। अरे अरे खाली अब वो वाला चैनल में जो मेस्ट्री रहते ना। अरे अरे खाली अब वो वाला चैनल में कॉमेडी वाला। कॉमेडी है अली खान छोटू, जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है मेरा चैनल। अच्छा 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 जी अब बोल दो फिर। हाँ तो आप मंडे के दिन 4 बजे आता देख लो, आपको उसका आंसर मिल जाता। मंडे के दिन 4 बजे आएगा? एवरी वीक मंडे। एवरी मंडे एवरी मंडे आपको 4 बजे आ जाएगी। कोशिश सोचो सोच के जवाब दो। 1936 थोड़ा खरीद में जा रहे हैं। डोसा बटर ज्यादा डाल दिया, बहुत अच्छा डाल दिया, शार्प हो रहा है। थोड़ा और कौन बनाए? शाहजहान। शाहजहान ब्रो। निजाम ब्रो। शाहजहान ब्रो निजाम मुगल निजाम जो गोलकंड बनाए वो लोग बनाए। नाम नहीं मालूम। बहुत अच्छी बात है सोचने के लिए, बहुत माइंड फ्रेश है एकदम। बटर बटर ज्यादा खा लो मैडम। हाँ। तो थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू भैया। पेजा एंड फ्रेंड्स। इडली खाते हुए बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं? ऐसे बोलता हूँ खा लिया मैं। पक्का पक्का मौजम जाए मार्केट। आप मेरी इडली ठंडी हो रही है, आप पकड़ लेके बोलो साहब जी जी। बोलिए क्या क्या बोलते हो? बोलते गए हाँ, ये मौजम जा जो निज़ाम के वज़ीर थे उन्होंने बनाने लगे ये मौजम जाए मार्केट, जितना मेरा तजुर्बा है हैदराबाद का जी। वो कब बनाए डेट याद नहीं है।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। साहब आपसे एक सवाल है मेरा, सवाल का जवाब दिए तो आप बराबर विनर बन सकते हैं, इनाम के हकदार होते आप। जी बोलिए। ये जो कदीम इमारत के सामने बैठ के आप आइसक्रीम खा रहे हैं, वो काफ़ी मशहूर है आइसक्रीम यहाँ की, तो ये कदीम इमारत जो है मार्केट जी, कौन बनाने लगा है और किसके लिए बनाने लगा है और कब बनी मार्केट, ये हमारा सवाल। निजाम के मेरा हाथ दर्द हो रहा, मैं रात सुबह से फिर रहा हूँ, जरा मैं आपका आइसक्रीम चखता हूँ, आप बोलिए, शुरू करिए। ये निज़ाम के ज़माने का, बिल्कुल बिल्कुल खाइए भाई, ये निज़ाम के ज़माने की बिल्डिंग है ये, और ये तकरीबन 150 साल हो गए ये बन। लाजवाब है, कोसा है भाई, ये है कस्टर्ड एप्पल सीताफल आइसक्रीम है ये। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है आपके शौका। अरे यहाँ पे यही फेमस है बिलाल आइसक्रीम भी जा रही मेट्रो ट्रेन। बिलाल आइसक्रीम में सीताफल का आइसक्रीम बहुत अच्छा मिलता है, इसीलिए इधर आके बैठ के खाते हैं। नहीं माशाल्लाह बेहतरीन है, खाइए खाइए मज़े लीजिए, और भी मिलते हैं यहाँ पे दूसरे फ्लेवर अभी। शुक्रिया साहब जी, मेरे सवाल का जवाब दिए तो आप बराबर विनर बन सकते हैं। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? यही बोला ना साहब, फिर आप बोला हिंदी में समझावाते फिर तेलुगु में पूछ रहे आप। बोला ना भाई आपको, ये कदीम जो मार्केट है ना ये जी जी, कौन बनाने लगा है और किसके लिए बनाने लगा है, कब बना? ये तो निज़ाम के ज़माने में बनी हुई है, ये पूरा हिंदुस्तान बोलता। और आप कुछ नया बोलो, आप नया बोले तो ये तकरीबन, अरे 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 क्या है, 1953 का था, 1953 में ही बनी है बिल्डिंग, क्या बात है भाई, ये निज़ाम के ज़माने में निज़ाम बनाने। सोचो भाई, सोच के जवाब दियो आप, आइसक्रीम बोला ना, प्यारा है बोला ना, 1953 में ही बनी बोल रहे। पक्का? पक्का पक्का। तो आप कोशिश करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगा मैं। जी जी, तो माशाल्लाह मैं आपका नुकसान कर दिया। नहीं नहीं नुकसान नहीं, मैं एक और ले लेता हूँ। खा रहे तो बिलाल आइसक्रीम में लगा रहे, देते हो फ्री गिफ्ट भी देते हो। अच्छा शुक्रिया साहब, बहुत बहुत आपका कोशिश करने के लिए। भाई नमस्ते भाई, भाई भाई आप लोग कहाँ पर कारोबार कर रहे हैं? मोजमजा मार्केट मेन चौरस्ते पे भाई, मोजमजा मार्केट। ये मार्केट, ये जो पुरानी इमारत है, ये इमारत कौन बनाने लगा है और किसके लिए बनाने लगा है और कब बनी मार्केट, ये हमारा सवाल है। ये जो मार्केट है बहुत पुरानी है भैया, अब जो है देखो हमारे दादा जी हमारे बाबा को बोलते थे कि ये मार्केट जो है 1932 में स्टार्ट हुआ इसका काम। क्या बात है, 1932 में स्टार्ट हुआ इसका काम, 1935 में इसको कंप्लीट कर दी गई थी इसको मार्केट, हमारे बाबा से हम सुने, हमारे बाबा हमारे दादा से सुने। ऐसा कैसा मालूम है आप, यहाँ पर क्या कारोबार है? हमारा जो है सब्जी का कारोबार है। कहाँ है दुकान? पीछे झंडे मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर जी, सब्जी के मार्केट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप, कहाँ पर रहते हैं आप संदीप भाई? मैं पुराना पुल पे रहता हूँ। पुराने पुल पे कितने साल से आप कारोबार करते हैं यहाँ पर? अब हमारा जो कारोबार है 70 साल का बोलते हैं हमारे दादा, हमारे परदादा दादा। अच्छा, हमारे 70 ईयर से आपकी ओल्ड शॉप जी, तीन पीढ़ियाँ हमारी यहाँ गुजर चुकी है। अच्छा जी, चौथी पीढ़ी हमें। ये कब, क्या बोले आप, बहुत बेहतरीन जवाब दिया आप, ये पहला सवाल जो था हमारा। हमारे बाबा बोलते थे, क्या बोले बेटा, इसका काम जो है 1932 में इसका काम शुरू हुआ था, 1932 में काम शुरू हुआ था, 1935 में इसका काम खत्म हुआ, पूरा कंप्लीट मुकम्मल मार्केट बन गई पूरी मार्केट। कौन बनाने लगा है मार्केट ये? ये मार्केट जो है निजाम साहब, मीर उस्मान अली खान साहब कुछ नाम मीर उस्मान अली। वेरी गुड खिलाफ है आपके लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। जो मार्केट जो है मीर उस्मान अली बादशाह जो साथ में निजाम जी जी, तो उन्होंने जो है उनके सेकेंड बेटे जो थे मुजम जाए बहादुर, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके लिए बनाए थे, उनके ही नाम से मार्केट है मोजम जाए मार्केट। मीर उस्मान अली बादशाह उनके सेकंड बेटे के लिए बनाए सो मार्केट मार्केट। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है संदीप भाई जी, आप कही कितना भारी जवाब दे डाले आप मेरे सवाल का। मेरे सवाल को मैं सुबह से लेके फिर रहा हूँ मैं, अब शाम हो गई जी, तो मेरे को आप क्लैप देता हूँ सबसे पहले। आप विनर बन चुके हैं अली खान छोटू चैनल के तरफ से, आपको एक छोटा सा नजराना तोहफा मिलेगा आपको, प्राइस भी छोटा, तो ज़रा पकड़ लिए तो मैं ले लेके आता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। आइए हफीज़ भाई ना, हमारे वीडियो के ये स्पॉन्सर है हमारे हफीज़ भाई, ये संदीप भाई जो अपना भारी सवाल था, सवाल का सही तरीके से ठीक तरीके से जवाब दिए। तो संदीप भाई अली खान छोटू चैनल के ज़रिए से आपको एक इनाम मिल रहा, प्राइज मिल रहा, भारी जवाब दे डाले आप सवाल का। तो हमारे वीडियो के स्पॉन्सर है हमारे हफीज़ भाई, हफीज़ भाई का बिजनेस है सेल ड्राइव पे कार देना। सेल ड्राइव पे, सेल ड्राइव पे मतलब
अपन खुद ही बैठ के चला लेना, कहीं भी जाना रहा, कहीं भी इंजॉय करना रहा, घूमना फिरना रहा, आउट ऑफ जाना रहा, तो क्या है पेमेंट कर देना, आधार कार्ड लाइसेंस दे डालना, गाड़ी ले लेके चल जाना, या BMW हन दो, या जागवार हन दो, या मर्सिडीज हन दो, कोई भी का i20 i10 साचक शादी वलीमा जुमा की कुछ भी रहें दो, घर पे आपको इनोवा स्कॉर्पियो हर चीज़ हर कार में आपको मौजूद मिल जाएंगी आपको। तो गाइस ये वीडियो का स्पॉन्सर है सेल ड्राइव पे, अगर कार लेना है आप लोग को ये नंबर मैं नीचे डाल रहा हूँ, मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग। सेल ड्राइव पे आपको आधार कार्ड का जेरोक्स देना है, फिर और लाइसेंस का जेरोक्स देना है आपको। आप यहाँ पर हाफिज़ भाई से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाफिज़ भाई कौन से कार है आपके पास? आप 5 सीटर 7 सीटर आपको जो रिक्वायरमेंट है शादी के लिए डेकोरेशन के साथ, आपको जो भी कार होना है इंशाल्लाह अरेंज कर देंगे, मगर बुकिंग ज़रूरी रहता, पहले बुक करा देना कंपलसरी है। BMW मर्सिडीज़ जागवार, जागवार पूरा i20 i10 स्कॉर्पियो इटिगा XL6 बलिनो वरना अम्बेसडर मिलती है साहब, अम्बेसडर दिलाएंगे आपको गिफ्ट में अहमदाबाद। भाई हैदराबाद शहर की हिंदुस्तान की फर्स्ट गाड़ी शान है वो अम्बेसडर। नहीं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे विनर को आप प्राइज दे सकते हैं आप, ये मुबारक भाई और एक बार आपको शुक्रिया, ये ले लीजिए, ये बता दीजिए हमारे फ्रेंड्स को, ज़रा खोल के बता दिए तो थोड़ी तकलीफ होती, ज़रा मदद करो ना भाई, ज़रा फाड़ो नको, चिंदिया नको कर दो, लूटम लाटी नको करो। पहले संदीप भाई बहुत भारी जवाब दिए भारी सवाल का, आराम से नखाज नजाकत से। और भाई ये डिनर सेट घर में लेके जाते कि भाभी बच्चे खुश हो जाएंगे, आज जिंदगी में पहली बार तो अभी आप संदीप भाई बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, घर के लिए कुछ चीज़ लेके आए। ये दो कटोरे देखो साहब, ठीक है ना, ठीक है, हाँ इसके बाद मीठा देना है तड़ी बिरयानी के बाद। शुक्रिया, आप सवाल का सही जवाब दिया। हफीज भाई एक बार हाथ तो मिला लो आप, चलिए संदीप भाई बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप भाई की बहुत काफ़ी मशहूर दुकान है, तरकारी की दुकान है, कहते मार्केट के अंदर ही 70 साल पुरानी है। तो कभी कार लेना है तो आप कार ले सकते हैं हफीज भाई से, मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे डाला मैं, ठीक है। शुक्रिया साहब आपका हेल्प करने का, शुक्रिया। तो गाइस आप लोग को आज का वीडियो कैसा दिखा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल है अली खान छोटू, हमारे अली खान छोटू चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। फेसबुक आईडी है हमारी अली खान छोटू पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। बड़े भाई ज़रा मेहरबानी होती, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के वास्ते, ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी हौसला हिम्मत अफजाई करेंगे आप लोग तो और मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ के अच्छे अच्छे वीडियो बना के आप लोग को बताऊँगा। तो फिर मिलेंगे अगले मंडे अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।